बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्लि अला मोहम्मद वाल आले मोहम्मद। शाह जंजानी काशाना जंजानी से आपसे मुखातिब हूँ। याद रहे कि मैं अपना माना विजट पे कराची आ चुका हूँ और सितंबर का महीना एक बहुत ही अहम महीना दिफाए पाकिस्तान का महीना है। और आसमानी काउंसिल पे जब मैंने जायचा देखा 26 सितंबर 2022 सुबह 2:54 इस्लामाबाद का, तो ये जायचा बहुत ही बदरा बदरा सा लग रहा है और पाकिस्तान के जनाब समाजी सियासी हालात में काफ़ी बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब जानने के लिए आप अभी जनाब ये जो नंबर आ रहा है आईना किस्मत का शुमारा पीडीएफ फाइल की शक्ल में तोहफ़तन मंगवा सकते हैं। बाज़ार में इसकी हार्ड कापी भी दस्तियाब है और नबी के प्यारे अली के दुलारे जनाब नारा हैदरी मारने वाले जो शहदा हैं जिन्होंने नारा निशान हैदर पाया, हम उनको सलाम पेश करते हैं, अपने गाजियों को सलाम पेश करते हैं और पाकिस्तानी अफवाज को हम सलूट करते हैं कि उन्होंने वतन की दिफा की जिम्मेदारी दे रखी हुई है। और हमारे ये इदारे बड़े मजबूत हैं, ताकतवर हैं। सैलाब हो या जलजला, 2005 का जलजला कश्मीर का सभी जानते हैं और अभी जो 2022 में जो बारिशें सिंध और बलूचिस्तान में हुई हैं, ये इतनी आफत ज़्यादा ये मुल्क हो गया है, इलाके हो गए हैं कि अल्लाह स्वाय रहम के सख्वार से न जाने पाकिस्तानी कौम से क्या ख़ता हुई, क्या गलती हुई। और ये इससे हट के सियासत की जनाब गहमा गहमी अपनी जगह पे जारी है और जितने भी सियासी लीडर हैं ये सभी अपने आप को मुहिब वतन डिक्लेयर करने के लिए जनाब पेश पेश हैं। काश ये आवाम की बातें करें, आवाम में जाएँ और फोटो सेशन की बजाय दिल से उनकी खिदमत करें। और कराची पाकिस्तान का दिल है, रसूल बिलाल शहर कराची, उसमें जनाब मामूली सा ये सीवरेज के सिस्टम ठीक होने वाले हैं। कराची की सड़कें बारिशों से टूट फूट गई हैं और सिंध के जो इलाके हैं हैदराबाद सखर दादू लाड़कना, ये सारे जनाब सारी आफत ज़दा और पूरी जो ज़री इलाके हैं बारिश में डूबे हुए हैं। अल्लाह ना जाने हमारे मुल्क में खुदा नखास्ता गज़ाई के लतन और रज़िक़ का वादा जो कि अल्लाह ने किया है, डेयरी फार्मिंग जो है पोल्ट्री फार्मिंग ये खासी मुतासर हुई है और इसका नतीजे में हुकूमत को चाहिए कि मुस्तकबिल की फूड क्राइसिस का जो अंदेशा है उसकी प्लानिंग करे। सितंबर की सितमगिरी सियासी समाजी हालात जानने के लिए अभी जनाब जो नीचे नंबर आ रहा है आप सितंबर का आईना किस्मत का ताज़ा शुमारा तोहफ़तन मंगवा के पढ़ सकते हैं। और याद रहे कि मैं अपने महाना विजट पर कराची हूँ 1 सितंबर। जो बहन भी अपने किसी भी रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल सिलसिले में मशावरत करना पसंद फरमाएँ, जो नीचे नंबर आ रहा है टाइम लेके मिल सकते हैं। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा।